अभी तो चलो हम सीख ये सीख रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है हमको, ठीक है, इसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज के लिए होता है कि आपको क्या याद होना चाहिए, तो आपको कुछ एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो जितना ही बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड का, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता कौन है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट यानी नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल बेसिकली कहाँ होता है, पी ब्लॉक में। ठीक है, आपके पास पी ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाइज आपको मेंशन हम कर चुके थे। ठीक है, लिस्ट होता है कि बी ब्लॉक का सारा एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होता है इस ग्रुप वाइज आप देखोगे तो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट था उसको हम मार्क कर चुके थे कि कम से कम आप इतना याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तीन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैं ब्लू कलर से सराउंड कर चुका हूँ। ठीक, तो इतना आपको याद होगा तभी आप आगे एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, इसको आपको थॉरो कर लेना, इन सारे इलेक्ट्रॉन का सॉरी इन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। मतलब आप मतलब याद कर लो दिमाग में, मतलब एलिमेंट बोले आपके दिमाग से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। एग्जाम्पल फॉस्फोरस 5, आयोडीन 7, जिंक 8, इस तरह सोचना है आपको। ठीक है, और टाइम रहेगा तो पूरा याद कर लेना, अगर आपको टाइम है इतना के बाद अब पूरा याद करना है, मतलब अल्टीमेटली आपको पूरा तो याद करना ही है। ठीक है, लेकिन पहले इन सबको याद करना, जो कि मैं जिसको मैं अंडरलाइन यानी जिसको मैं सराउंड किया हूँ, उसके बाद आपको पूरा याद करना है। ठीक, अब ध्यान, जब भी बात करते हैं स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सब कुछ रूल्स होता है, यहाँ पर रूल्स पहले देख लेते हैं। ठीक है, पर रूल सीखेंगे, और रूल से बेटर है कि बिना बस क्वेश्चन देख के बनाना वो बेटर रहेगा। तो पहले आप रूलों को समझाया जा रहा है, रूल्स जो बताया जा रहा है, ध्यान देना रूल्स में क्या बोला गया है। तो हम लोग पहले से किसके लिए रहे हैं, तो जब जब आपका सेंट्रल एटम, जब आपका सेंट्रल एटम थर्ड थर्ड पीरियड का होगा, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होगा या ऑनवर्ड्स होगा, तो थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स, कौन सा सेंट्रल एटम। तो हम पढ़े थे ना सेंट्रल एटम का दो केस था, पहला केस था कि सेंट्रल एटम क्या होगा, सेकेंड पीरियड का होगा। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड का होगा या होगा थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स का। तो हम जो सेकेंड जो दो केस था उसमें इस केस को हम लेके पहले सीखेंगे, यानी जब सेंट्रल टर्म थर्ड पीरियड का होगा या फोर्थ फिफ्थ सिक्स का होगा चलेगा, उसके लिए हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पीरियड का सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड पीरियड के बारे में जानेंगे। तो जब भी आपका सेंट्रल टर्म थर्ड पीरियड या उसके बाद का होगा, यानी फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड का होगा, अब कौन सा फोर्थ फिफ्थ होगा, तो उसके लिए आपको समझा भी दे रहे हैं। ध्यान है, हम जो भी बात करने वाले इनका बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे एलिमेंट्स लिस्ट में, यार पहला जो पीरियड है वो क्या है, वो है आपका सेकंड, और ये सब क्या है, ये सब है थर्ड पीरियड एंड ये ऑनवर्ड्स का। ठीक है, ये वाला सेकंड पीरियड का है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन जो भी है, और उसके नीचे क्या हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलेगा। तो इनका पहले हम बात करेंगे, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन का पहले हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो जब भी आपका सेंट्रोटम थर्ड पीरियड या उसके ऑनवर्ड्स का होगा, उसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बहुत फिक्स स्टेप है, मैं स्टेप को पहले रीड करो फिर आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, पहले मैं रीड कर रहा हूँ फिर अप्लाई करना सिखाऊंगा। बोला गया है फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है कि आपको सेंट्रल एटम लिखना है, आपको सेंट्रल एटम लिखना है विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको सेंट्रल एटम लिखना है विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होगा उसको दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, आपको सराउंडिंग एटम लिखना है, सेंटर के बाद जो बचा जो भी एटम बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एटम। तो आपको क्या लिखना है, आपको सराउंडिंग एटम लिखना है अराउंड सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के अबाउट आपको लिखना है सराउंडिंग एटम के बारे में, यानी सेंट्रल एटम के अराउंड आप प्लेस करोगे इसको, सराउंडिंग एटम को आप प्लेस करोगे। ठीक, और फिर क्या करना है कि जितना भी सराउंडिंग एटम है उसका आठ पूरा करना आपको। ठीक है, जितना भी सराउंडिंग एटम होता है उसका आपको ऑक्टेट पूरा करना, क्या पढ़ना पूरा करना है, आपको उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी आपको सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है यूजिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना के आपको सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये चीज लिखा हुआ है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम बाय फॉर्मिंग या बाय यूजिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना के सराउंडिंग एटम को आठ पूरा करो, ऑक्टेट पूरा करोगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में, यहाँ लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में देखो लिखा हुआ है
वाइल डूइंग सो, यानी जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो, डोंट फोकस ऑन ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम के ऑक्टेट पे फोकस नहीं करना है, यानी उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। डोंट फोकस ऑन ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। क्यों नहीं हमको चिंता करना है, यानी क्यों नहीं मेरे को वरी होना है, क्योंकि सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को स्पैन कर सकता है। आप लोग देखे थे ना कि थर्ड पेरियड ऑनवर्ड्स होगा तो क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा। और डी क्या होता है, खाली होता है। पी ब्लॉक में डी क्या होगा, खाली होगा। डी खाली होगा तो क्या होगा, इस डी के कारण सेंट्रल एटम का जो कैपेसिटी होता है वो 8 से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, 8 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि अपना ऑक्टेट को बढ़ा सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो जब भी आपका सेंट्रल एटम, जब ये प्रोसेस करेंगे तो सेंट्रल एटम के ऑक्टेट पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि सेंट्रल एटम अपने ऑक्टेट को स्पैन कर सकता है यूजिंग बॉन्ड विद यूजिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, एक्साइटेशन थ्योरी। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गया है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एच एन ओ होगा, अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होगा, देन ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड, देन ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। आपको बनाना है, आपको मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड बनाना है विद सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। तो ये रूल हो गया। अब ध्यान देना, इस रूल में आपको आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, आपको बस याद रखना है कि सराउंडिंग एटम में बाकी सारा एलिमेंट अपना 8 पूरा करना चाहता है, बॉन्ड बना के अपना 8 पूरा करना चाहता है, ठीक। बट हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को 2 ही पूरा करना, तो हाइड्रोजन को बस 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ध्यान देना, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उतना बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो किसी को अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो आप बस इसी ध्यान सेट करना कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी जितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उसका बैलेंस में कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। सिंपल पर बात करते हैं हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है बस। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। याद रखना, इन जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतना बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना है, हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना, तो उसमें एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस शेल है उसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, उसमें उसको 2 करना है तो 1 है तो 1 और चाहिए, 1 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 पूरा करने के लिए कितना, 6 है, तो उसको 2 और चाहिए तो क्या हो, 2 बॉन्ड बनाएगा। पर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करोगे सल्फर का, तो सल्फर में कितना है, सल्फर में 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपको सिंपल से पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल देख, हमको बनाना है SO2Cl2 का फिगर। तो देखो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो सीखे उसको अप्लाई करना है। SO2Cl2 में सबसे सेंट्रल एटम कौन सा होगा, पहला स्टेप सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेटिव होगा, तो आपको पता है फोंकल ब्रिक्स, यार फोंकल ब्रिक्स में पता है FON होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, इतना पता था, ठीक। अब देखो, इसमें इधर से इधर आपका इलेक्ट्रोनेटिविटी बढ़ रहा है, इसमें सबसे आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे क्या क्या आइटम है आपके कंपाउंड में, तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो चेक करो कि सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन में सबसे लिस्ट कौन है, सबसे लिस्ट आपको दिखेगा सल्फर है, यानी SO2Cl2 में सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉनेटिव होगा सल्फर, यानी सल्फर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम होगा, सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो गया। बाकी क्या हो, बाकी सराउंडिंग होगा, तो बाकी सराउंडिंग को लिख दिया। अब ध्यान देना, अब आपको देखना है सराउंडिंग को फोकस करो, आपको फोकस करना सराउंडिंग पे। तो सराउंडिंग में क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। अब तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में, तो आपको पता है क्लोरीन के पास कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हम लोग क्या सीखे थे कि सराउंडिंग एटम का 8 पूरा करना है, हमको उसका 8 पूरा करना है,
यूजिंग बॉन्ड, तो यार क्लोरीन का चूंकि साथ उसको एक लोन और चाहिए तो क्या होगा, एक बॉन्ड बनाएगा किस, और किसे बनाएगा विद सेंट्रल एटम, हमें ये कहता ना कि सराउंडिंग का आठ पूरा करना है बाय फॉर्मिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, बाय फॉर्मिंग बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, ठीक। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन बना एक बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन का आठ पूरा हो गया। अब ध्यान देना इस बॉन्ड बनाने में क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है और सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, तो बचेगा छह, तो छह इलेक्ट्रॉन को दिखाना है आपको, उसको आपको दिखाना है, यानी क्लोरीन जब एक बॉन्ड बनाएगा तो उसका छह इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। दूसरा क्लोरीन भी क्या होगा, जब एक बॉन्ड बनाया तो क्या होगा उसके पास, क्या होगा उसके पास छह इलेक्ट्रॉन बचा होगा, यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन उसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ओ का, तो ओ के पास कितना बैलेंस पता होता है, आपको पता है कि ओ का बैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन होता है, उसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो बॉन्ड बनाएगा, और दो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बनाएगा, तो बनाएगा विद सेंट्रल एटम, तो दो बॉन्ड बना देते हैं ना, तो बना दिए दो बॉन्ड, ठीक है। अब मान लीजिए दो बॉन्ड जब बन गया तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस दो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन ओ शेयर किया है और दो इलेक्ट्रॉन को सल्फर शेयर किया है। अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन में छह इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से दो हो गया शेयर में, तो बचा है कितना, तो बचेगा चार, चार को आप दिखा सकते हैं, चेक सिंपली बात है। अगर नीचे वाला ऑक्सीजन का बात करते हैं, नीचे वाला ऑक्सीजन में भी छह इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए जी, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो दो होगा, तो दो बॉन्ड बना लेंगे, दो बॉन्ड बना लेगा तो बचेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा यार उसपे चार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छह था, छह में से दो गया बॉन्ड बना, तो बचा कितना, बचा इस तरह का फिगर बन गया। अब बात करते हैं सल्फर का, बात करते हैं सल्फर का, सल्फर में कितना होता है, छह इलेक्ट्रॉन होता है, और सल्फर कितना बॉन्ड बनाया था, सल्फर बॉन्ड बना है एक दो तीन चार पांच छह, तो सल्फर में छह इलेक्ट्रॉन था और छह बॉन्ड भी बना दिया, तो छह इलेक्ट्रॉन था छह बॉन्ड बन गया, तो सारा का सल्फर क्या होगा शेयर हो चुका है, तो सल्फर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन हम नहीं दिखाएंगे, बस ऐसा फिगर बन गया, ठीक। तो आपको रूल्स इतना ही था, जैसे एग्जांपल दे, जैसे अब देखो बहुत इजी बनेगा, जैसे बोलेंगे हमको POCl3 का फिगर बनाना है, तो देखो सेंट्रल कौन होगा, फॉस्फोरस, बाकी होगा सराउंडिंग, बना दिए सराउंडिंग, अब पता क्लोरीन में सात होता, सात में से उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाएंगे, और ओ को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो बॉन्ड बना देंगे, तो बन गया आपका फिगर, बन गया आपका फिगर, ठीक। अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन जो जहां बचा उसको दिखा देते हैं, तो क्लोरीन में सात होता तो एक या बॉन्ड होता, बचा कितना, बचा छह, तो इलेक्ट्रॉन को हमें सब पेयर में दिखाते हैं, तो इससे से आप छह दिखा सकते हो, ओ के पास छह था, छह में से क्या दो बॉन्ड में बनाने में, तो बचा कितना, बचा चार, तो चार बना दिए हम। बात करते हैं हम लोग फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस में पांच होता और बॉन्ड का नंबर पांच है, तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ठीक। अगर बात करते हैं SOCl2 का, तो सेंटर कौन होगा, सल्फर होगा, सराउंडिंग बाकी सराउंडिंग होगा, तो सराउंडिंग हम दिखा दिया, क्लोरीन को एक बॉन्ड चाहिए बन गया, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए बन गया, बचा इलेक्ट्रॉन दिखा दे, ठीक। बात करते हैं नीचे वाला सल्फर पे, तो सल्फर पे अब बैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ देखो क्वेश्चन में सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, तो सल्फर बना रहा है चार बॉन्ड, एक दो तीन चार, तो चार बॉन्ड बनाया था, चार बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो बचा कितना, बचेगा दो इलेक्ट्रॉन, बचेगा दो इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा, तो दिखा दी इसको, ठीक है। तो हो गया SOCl2 का फिगर, यानी सिंपल सा है ना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जो रूल्स बोले उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते चलो, अपने क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बोलेगा हमको बनाना है SO3 का फिगर, ठीक है ना, सेंटर कौन होगा, सल्फर होगा, कर दो सल्फर को, बाकी सराउंडिंग कर दिया, अब ओ को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब क्या डबल बॉन्ड बनाएगा, किससे बनाएगा, बनाएगा भी सेंटर एटम, बन गया। अब ओ पे इलेक्ट्रॉन कितना बचा होगा, तो चूंकि छह होता है, दो गया बॉन्ड में, तो बचा चार, तो चार दिखा दिए उसको ऊपर हमको, ठीक। सल्फर के पास बात करेंगे, तो सल्फर में चूंकि छह बॉन्ड बन चुका है, तो छह बॉन्ड अगर बन चुका है, तो छह में से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पर सल्फर पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं XCO3 में XC सेंट्रल हो गया, बाकी सराउंडिंग हो गया, ओ आपको पता है कि ओ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों छह था, तो क्या डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। ओ का सारा पूरा हो गया, अब ओ के पास इलेक्ट्रॉन बचा, उसको दिखा दिए। बात करते हैं जेनन का, तो जेनन का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आठ होता है, आठ में से कितना बॉन्ड बनाया, छह बॉन्ड बनाया है, छह बॉन्ड बनाया है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा छह, बचेगा कितना, तो इलेक्ट्रॉन तो बचेगा उस पे,
उसके दो इलेक्ट्रॉन का बचत होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा। यह हो गया एक्सीओ थ्री का फिगर। ठीक, कोई बोलता है कि हमको नहीं बनाना, हमको बनाना है एक्सीओ टू एफ टू का। एक्सीओ टू एफ टू में जेनन हो जाएगा सेंट्रल एटम, बाकी सराउंडिंग एटम को दिखा दिए। आपके पास एफ में होता है सात इलेक्ट्रॉन, एफ को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए आठ पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एफ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, एफ बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ओ बनाएगा डबल बॉन्ड, ओ बनाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, अब ओ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ओ पे बचेगा आपका चार इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एफ पे चूंकि सात था तो सात में से एक या बॉन्ड बनाने में तो बचा कितना, तो बचेगा छः, एफ पे छः बचेगा। ठीक, और बात करते हैं हम जेनन का, तो जेनन में चूंकि आठ इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड का नंबर कितना है, तो बॉन्ड का नंबर है छः है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छः बॉन्ड, तो छः बॉन्ड है, तो उसमें से आठ में से छः गया, बचा कितना, बचा दो, तो जेनन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा को दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह आपको सोचना है। ठीक है, तो वैसे लोग तो हम लोग काफी कुछ रूल सीख गए। अब इसमें एक रूल है जिसको अप्लाई करना आपको सिखाया जाता है। ठीक है, एक रूल जो है लास्ट का रूल, जो फोर्थ रूल था। ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसा तो समझ में आ जाए, अब आ जाएगा। तो फोर्थ रूल में क्या बोला हुआ है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन एच एंड ओ। ठीक है, फोर्थ रूल में क्या बोला गया है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन एच एंड ओ, देन ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम ओ एच बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या समझे आप, तो ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को हम बनाकर दिखाते हैं आपको। जैसे H2SO4 है, H2SO4 में देखोगे कि H भी है और O भी है, तो यार दो H है और चार O है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर होगा। तो हम क्या बोला गया कि अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में H और O रहेगा तो आपको मैक्सिमम OH बनाना है, मैक्सिमम OH बनाना है। OH में क्या होता है, OH में देखोगे तो OH में एक ऑक्सीजन होता है एक और एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे सेंटर तो किसे लिंक किसे करेंगे, सेंटर टर्म के साथ लिंक करेंगे। जब OH का बॉन्ड बनाएंगे तो O बना दिया दो बॉन्ड, O का हो गया आउटेड पूरा, अल्टीमेटली क्या O को दो बॉन्ड चाहिए ना, O बनाए एक बॉन्ड H के साथ, एक बनाया सेंटर टर्म के साथ, O का अपना काम खत्म हो गया। ठीक, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, और बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड देखो बना रहा है किसके साथ, O के साथ बना रहा है। ठीक है, OH बॉन्ड में कहने के O का अपना आउटेड पूरा हो चुका है और H का अपना डोट पूरा हो जाता है। अब ध्यान दे रहा है, जैसे बात करते हैं H2SO4 का, हमको बनाना फिगर, तो हम क्या बनाएंगे, चूंकि H2SO4 फिगर में आपका H और O दोनों है, आपका H और O क्या है, दोनों है, तो क्या करोगे आप, ट्राई करोगे पहले मैक्सिमम OH बॉन्ड बनाने का। तो मैक्सिमम OH बॉन्ड और किसके साथ बनाएगा, विद सेंट्रल एटम, विद सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, क्या है, सल्फर है। यार यहाँ पे कितना कितना बॉन्ड बनेगा देख ले ध्यान से, तो बॉन्ड का नंबर बनेगा तो दो OH बॉन्ड बन सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दो OH बॉन्ड बनाए तो उसको दो OH बॉन्ड बना के दे देना है, पहला नाम यही करना, दो OH बॉन्ड बना देना। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन बनाए, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाया हुआ तो बचा कितना ऊपर बचेगा, चार उसके ऊपर बचेगा। अब देखो यहाँ पे दो OH बनाए पर कितना ऑक्सीजन बच गया सिस्टम में, तो दो ऑक्सीजन बचा हुआ है, दो ऑक्सीजन बचा हुआ तो उसको सल्फर के पास ले देते हैं, क्योंकि उसका भी हमको आठ पूरा करना पड़ेगा ना, तो उसका भी बॉन्ड किससे बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा सेंटर टर्म के साथ, ये बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बनाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आपका ऑक्टेट क्या हो गया है, सबका पूरा हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर के वैलेंस में कितना होता है, छह होता है, और सल्फर कितना बॉन्ड बनाया होता है, एक दो तीन चार पांच छह बना चुका है, तो छह बना चुका है, तो उसके इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन होगा जीरो, तो उसको दिखाएंगे। ठीक, सिमिलरली इसी सिस्टम में बात करें, चलो जैसे एग्जाम्पल देख, जैसे बोलेगा HClO का फिगर क्या होगा। ठीक, HClO2 का फिगर कैसा होगा, HClO3 का फिगर कैसा होगा, HClO4 का फिगर कैसा होगा, तो बहुत आसान है यार। HClO में सेंट्रल कौन होगा, तो सेंट्रल होगा क्लोरीन। ध्यान देना, हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल मत बनाना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है ना। हम लोग क्या सीखे थे कि जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंसी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉलीवैलेंट, क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पॉलीवैलेंट होना चाहिए तो उसके तो हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है, एक ही होता है, तो जो एक बॉन्ड बनाएगा उसको सेंटर पर कभी हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम एलिमेंट मत बनाना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा दिए, तो बचा क्या, क्लोरीन ऑक्सीजन। तो क्लोरीन ऑक्सीजन में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सेंट्रल एटम उसी को बनाते हैं जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। ठीक, तो क्लोरीन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
आप ध्यान देना, जब क्लोरीन लेस सोल्डेड हुए तो क्या होगा, तो सीरो बना दिया सेंट्रल। अब देखो यहाँ पे एच और ओ, एक एच और एक ओ है, यहाँ पे मैक्सिमम ओ एच बनाना है, तो कितना ओ एच बन सकता है, एक ओ एच बन सकता है, तो एक ओ एच बना के दे दिए। इस प्रोसेस में क्लोरीन बनाया एक बॉन्ड, तो सील पे कितना प्रोन बचेगा, तो बचेगा 6 प्रोन बचेगा। ऑक्सीजन बना चुका 2 बॉन्ड, तो क्या होगा, 2 प्रोन बचेगा, 2 4 प्रोन बचेगा, ये हो गया सील ओ एच, एच सी एल ओ का फिगर। बात करते हैं एच सी एल ओ टू का, उसमें भी सेंट्रल कौन होगा, क्लोरीन होगा, उसमें कितना मैक्सिमम ओएच बन सकता है, तो मैक्सिमम ओएच बनता है एक, बन सकता है तो एक ओएच बना के दिखा देंगे, एक ओएच बना के दिखा देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में एक ओ और बच गया, एक ऑक्सीजन और बचा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिखा दिए हमको, कहीं भी दिखा सकता है, तुम कहीं भी दिखा सकता है। अब इस ऑक्सीजन को दो दो डोन चाहिए, तो डोन बना दिए किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, यानी सील के साथ। ठीक, अब इस प्रोसेस देखोगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे कितना प्रोन बचेगा, तो 4 प्रोन बचेगा। ठीक, और बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में से 3 का बॉन्ड बनाना है, तो बचा कितना, बचा 4, तो 4 दिखाना पड़ेगा मेरे को, 4 दिखा देते हैं हम लोग, तो 4 दिखा दिए। बात करते हैं SiO3 का, SiO3 में भी क्या होगा, सील क्या होगा, सील होगा सेंट्रल एटम, इसमें एक एच और 3 होगा, तो कितना ओएच बन सकता था, एक ओएच बन सकता था, एक ओएच बना के दिखा दिए, बचा तो ऑक्सीजन, उसको दिखा देते हैं। अब चूंकि ओ को अपना ऑक्सीड पूरा करना, तो क्या हो, डबल बॉन्ड बनाएगा, बेस सेंट्रल एटम बन गया। अब सारे पे इलेक्ट्रॉन कितना बचा दिखा देते हैं, तो हर ओ पे 4 बचेगा, तो 4 दिखा दिए हर ओ पे। और क्लोरीन में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 में से 5 बॉन्ड बनाया, तो बचा कितना, तो बचा 2, बचा 2। HClO4 का बात करते हैं, तो HClO4 में सेंट्रल का क्या क्या होगा, क्लोरीन होगा, इसमें एक हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, तो मतलब इसमें ओ एच कितना मैक्सिमम बन सकता है, तो मैक्सिमम ओ एच क्या बन सकता है, एक ओ एच बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही है ना, एक ओ एच बना देंगे हम। अब एक ओएच बनाएंगे तो क्या हो, कितना ऑक्सीजन अभी बच गया सिस्टम में, तो सिस्टम में 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन को दिखा देंगे हम लोग। अब हर ऑक्सीजन को चूंकि डबल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डबल बनाते चलेंगे। ठीक, बाकी हम इलेक्ट्रॉन भी जितना बचा उसको दिखा दिए। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस सिस्टम में क्लोरीन कितना बार बना लिया, क्लोरीन बना चुका है कितना, ये बना चुके हैं 7 बॉन्ड, तो इस सिस्टम में क्लोरीन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे बचेगा नहीं। चेक, इस तरह से आप हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा, तो उस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा, बाकी आप रेस्ट आप ट्राई कर सकते हो, HCPO4 को ट्राई कर सकते हो आप लोग, HCPO4 का फिगर आप ट्राई करो। ठीक, और क्या ट्राई कर सकते हो आप लोग, H2SO3 का फिगर ट्राई करो, और क्या ट्राई करना चाहता है, तो इसको ट्राई कर ले, H2CO3 का, इस फिगर को फटाफट ट्राई कर, देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और ट्राई करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर रहे हैं HBrO3 को। ठीक है, और HIO4 को ट्राई कर ले फास्ट। चेक,